हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है इंग्लिश का ग्रामर, जिसमें हमने आपको पिछले सेशन में वर्ब के बारे में पढ़ाया था, और इस सेशन में हम आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव विशेषण। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। विशेषण क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। जो एडजेक्टिव होता है उसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। तो जैसे यहां पे कह दिया जाए कि ही इज अ गुड बॉय, नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा इज ब्यूटीफुल। यहां क्या कह रहा है कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, और यहां पर नेहा इज अ ब्यूटीफुल, नेहा क्या है, सुंदर है। तो यहां दोनों में क्या कर रहा है, यहां पर जो ये ब्यूटीफुल आया है, ये गुड आया है, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। यहां पर किसकी विशेषता बता रहा है, आपके प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और यहां पर इसमें जो है नाउन की विशेषता बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में हम एडजेक्टिव कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। क्या करता है, एक एडजेक्टिव इज माने है, अ वर्ड माने एक शब्द, विच माने जो कि क्वालिफाइज विशेषता बताता है, अ नाउन माने एक संज्ञा की, और अ प्रोनाउन एक सर्वनाम की। तो जो हमारा एडजेक्टिव है उसका काम है कि नाउन की या प्रोनाउन की क्या करना, विशेषता बताना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले भी बताया, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ जो ही है वो प्रोनाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है, कह रहा है कि वह एक क्या है, अच्छा लड़का है। दूसरे में नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा है सुंदर है। तो यहाँ पर नेहा क्या है, आपका जो आप नाउन है, और इस नाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि नेहा कैसी है, नेहा सुंदर है। तो जब भी किसी नाउन की या प्रोनाउन की जो कोई विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं। शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट, शुगर यानी चीनी, इज माने है स्वीट माने मीठी, चीनी मीठी है। तो यहां पर देखिए जो हमारा यहाँ स्वीट है ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये शुगर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और वो नाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि शुगर कैसी है, मीठी है। तो मीठी हमारा यहाँ पे क्या है, जो है आपका विशेषण एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे। इसमें हम एडजेक्टिव के यानी विशेषण के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार का होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और तीसरा है
एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसी को न्यूमरल भी बोलते हैं, न्यूमरल यानी एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल्स भी बोल सकते हैं। आगे चार नंबर देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और पांच नंबर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव पोजेसिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और सात नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और आठ नंबर देखेंगे इम्प्साइजिंग एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं गुणवाचक, हिंदी में इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण, और दूसरे को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और संकेतवाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, पोजेसिव है संबंधवाचक विशेषण, संबंध वाचक विशेषण, व्यष्टिवाचक विशेषण, और इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक विशेषण, और एम्फसाइजिंग दृढ़ता सूचक विशेषण। यहां कुछ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में लिखा गया है, जिसमें हमने आपको आठ एडजेक्टिव के प्रकार लिखवाए। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या उसको न्यूमरल भी बोलते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको संकेतवाचक विशेषण। पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम संबंधवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको व्यष्टिवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको प्रश्नवाचक विशेषण। और आठवां है हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसको दृढ़ता सूचक विशेषण या जोरदार सूचक विशेषण भी कहते हैं। ये हमारा आठ है। इन आठ के बारे में हम एक एक करके जो है आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपका जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, यहाँ पे आठ प्रकार है। तो इन आठों के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं एक एक करके। चलिए आगे चलते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स द क्वालिटी, इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन आर अ थिंग,
इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जो इट माने या टेल्स माने बताता है, द क्वालिटी माने गुण, ऑफ अ पर्सन माने एक व्यक्ति की, और अ थिंग्स एक वस्तु की। एक वस्तु की क्या करता है, गुण को, उसके क्वालिटी को क्या करता है, बताता है, चाहे पर्सन की हो चाहे आपका थिंग्स की हो, सबकी क्या करता है, उसकी विशेषता को क्या करता है, बताता है। उस ये गुणवाचक जो विशेषण होता है किसी के, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु के जो है गुण दोष को क्या करता है, प्रकट करता है, उसको बताता है। तो जो हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुण और दोष को क्या करता है, गुण को या दोष को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे कहा जाए किसी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। यहां पर देखिए जो गुड आया है वो हमारा क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और वो क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वह जो है एक अच्छी लड़की है। राहुल इज अ टाल बॉय, राहुल इज अ टाल बॉय, राहुल एक क्या है, लंबा लड़का है। यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, जहां पे टाल आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और देखिए एग्जांपल, द फ्लावर इज रेड, जो फूल है वो क्या है, लाल है। तो यहां पर जो रेड आया है वो क्या कर रहा है, बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है, किसके फूल की, कि फूल की जो है क्या रंग, कैसा फूल का, वो लाल है। तीसरा, हमने देखा कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो किसी व्यक्ति की किसी वस्तु के गुण या दोष को प्रकट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, यू शुड नॉट ड्रिंक, यू शुड नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, यू शुड नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर। यहां पर कहने का मतलब है कि यू माने तुम्हें, शुड नॉट माने नहीं चाहिए, ड्रिंक माने पीना, डर्टी वाटर माने गंदा पानी। तो यहां पर देखिए जो डर्टी आया है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये क्या कर रहा है, उसके गुण को, उसके दोष को क्या कर रहा है, बता रहा है कि जो है गंदा पानी हमें क्या करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो क्या करता है, किसी व्यक्ति की किसी वस्तु के गुण या अथवा दोष को क्या करता है, प्रकट करता है, उसको बताता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो प्रयोग होता है वो हम दो तरह से कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो प्रयोग होता है उसको हम दो तरह से करते हैं। एक होता है, तो पहला है हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसको हम दो तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, एट्रिब्यूटिवली होगा और दूसरा क्या होगा, प्रीडिकेटिवली होगा। तो इसको, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग, आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। जो एट्रिब्यूटिवली होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो एट्रिब्यूटिवली होता है उसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, उसका प्रयोग क्या किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। जो दूसरा हमारा है प्रीडिकेटिवली है, उसका प्रयोग जो है नाउन के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग जो एट्रिब्यूटिवली है उसका प्रयोग नाउन के पहले, और इसका प्रयोग नाउन के बाद। इसका प्रयोग यानी कि यहां पे लिख देंगे बिफोर नाउन, और यहां इसका प्रयोग आफ्टर नाउन। बस इतना हमको ध्यान देना है कि ये बिफोर नाउन, नाउन के पहले, और ये आफ्टर नाउन, नाउन के बाद। जो प्रीडिक्टिवली है ये जो है
आफ्टर नाउन, इसके नाउन के बाद किया जाएगा और ये क्या किया जाएगा, नाउन के पहले किया जाएगा। इसका दोनों का एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज अ रिच मैन। यहां पर देखिए मैन हमारा क्या है, मैन हमारा आपका नाउन है और उसके पहले यहां पे रिच आ गया, रिच मींस होता है धनी, वो हमारा क्या हुआ है, एक धनी आदमी है। तो यहां पर जो यहां नाउन के पहले आ गया, यहां नाउन के पहले आ गया, इस वजह से क्या हो जाएगा, एट्रिब्यूटिवली हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। तो यहां पर देखिए जो हाउस हमारा क्या है, नाउन है और नाउन के पहले जब आ जाएगा कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो उसको हम क्या कहेंगे, एट्रिब्यूटिवली। और एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, पहला है कि दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। और दूसरा एग्जाम्पल यहां पर देखिए, जो यहां दिस गर्ल या लड़की के बाद, यहां पर देखिए बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका प्रीडिकेटिवली हो जाएगा और जो है पहले जब आएगा तो एट्रीब्यूटिवली हो जाएगा। द बॉय इज लेजी, जो लड़का है वो क्या है, आलसी है। यहां पर देखिए यहां पर आपका क्या है, ये आपका नाउन है, नाउन के बाद आया है तो क्या हो जाएगा, एट्री, जो आपका नाउन के बाद आएगा तो प्रीकेडिटिवली हो जाएगा और नाउन के पहले आ जाएगा तो एट्रीब्यूटिवली हो जाएगा। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको मात्रा सूचक, मात्रा सूचक विशेषण कहा जाता है, इसको हिंदी में मात्रा सूचक विशेषण कहा जाता है। इसका डिफिनीशन देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट टेल्स It tells the quantity of a thing. ये क्या करता है, It tells, यह बताता है, the quantity माने मात्रा, of things माने वस्तु का, यानी कि कहने का मतलब है कि जो adjective किसी वस्तु के मात्रा को बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा सूचक विशेषण। यानी कि जिस विशेषण शब्द से हमें किसी वस्तु के मात्रा का बोध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मात्रा सूचक विशेषण कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, I ate some rice। सम यहां पर देखिए सम माने कुछ, ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है। यहां पर राइस यानी चावल, मैं जो है कुछ जो है चावल, मैं थोड़ा चावल क्या किया, खाया। तो यहां पर जो इससे किसका बोध हो रहा है, क्वांटिटी का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरा है आई हैव एनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। लेकिन वो पर्याप्त समय, यहां पर जो एनफ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या कर रहा है, आपके मात्रा को बता रहा है, इस वजह से यहां पर
वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। आगे देयर इज, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, देयर इज मच वाटर इन द पॉट। पॉट मीन्स होता है बर्तन में, बर्तन में जो है अधिक पानी है। तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां मच आया है और वो वाटर के क्या कर रहा है, उसके क्वांटिटी को बता रहा है कि जो है मग में जो है आपका बर्तन में कितना पानी है। तो इस तरह से हमने देखा, और भी इसमें वर्ड आपको देखेंगे तो आपका आ जाएगा। यहां तो हमने तीन लिखा ही है, इसके अलावा आपका लिटिल हो जाएगा, यहां पे आल हो जाएगा, आल के बाद आपका अलिटिल हो जाएगा, अलिटिल हो जाएगा, ए लॉट ऑफ हो जाएगा, ए लॉट ऑफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बताता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको हम संख्यावाचक विशेषण, संख्या, संख्यावाचक विशेषण जिसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखें, इट इट टेल्स द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, थिंग इट टेल्स द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। इट टेल्स माने यह बताता है, द नंबर ऑफ माने संख्या का, पर्सन माने व्यक्ति का, आर माने अथवा थिंग्स माने वस्तु का। यानी कि जो विशेषण शब्द से हमको क्या हो, जो यानी कि जो विशेषण शब्द से हमें जो है किसी संख्या का बोध होगा, चाहे वो व्यक्ति का होगा चाहे वो वस्तु का होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इट यहां डिफिनेशन है, इट टेल्स द नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, आई हैव टू बुक्स, आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो किताबें हैं। यहां पे टू का बोध हो रहा है बुक्स के आगे, यहां पे टू क्या है, नंबर ऑफ और जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया कि मेरे पास दो किताबें हैं। यानी ये बुक हमारा क्या है, आपका नाउन है, उसके पहले टू आया है, ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। और एग्जांपल देखिए, ऑल मेन आर मोर्टल, ऑल मेन आर मोर्टल, यानी सभी व्यक्ति क्या है, सभी आदमी क्या है, मरणशील है। यहां पर सभी के बारे में बात कर रहा है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी क्या है, वो मरणशील है, मरेंगे। तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आल आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, मोहन वाज द फर्स्ट मैन टू कम, मोहन वाज द फर्स्ट मैन, मोहन वाज द फर्स्ट मैन टू कम, यानी कि मोहन पहला आदमी था जो क्या हुआ, आया। तो यहां पर देखिए, यहां फर्स्ट जा गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। यहां पर देखिए, ऑल है, मेनी है, फ्यू है, फोर है, यहां पे नो है, इनफ है और सेकेंड है, ऐसे बहुत वर्ड मिलेंगे जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बताएगा, जिससे हमको क्या होगा, उस वर्ड से हमको किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हुए मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे।
जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है डिफिनिट, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा है इनडिफिनिट, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यह भी हो जाएगा। डिफिनिट आर्टिकल जो डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा है इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये दो प्रकार का होता है। डिफिनिट एडजेक्टिव नंबर से हमको किसी निश्चित संख्या का बोध होगा तो उसको हम डिफिनिट एडजेक्टिव नंबर कहेंगे, और किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा, निश्चित संख्या का बोध होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे यहां पर देखिए, जो यहां पर आपका वन है और आपका टू है, यहां पे आपका फर्स्ट है, फर्स्ट है, आपका सेकंड है, ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिससे हमको निश्चित संख्या का बोध होगा तो हमारा क्या होगा, डिफिनिट एडजेक्टिव नंबर हो जाएगा। और डिफिनिट जो है एडजेक्टिव नंबर होगा जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे यहां पर हो गया सम हो गया, सम हो गया, मेनी हो गया, सम हो, ऑफ ही हो गया, सेवरल हो गया। तो इस तरह से तो जो इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होगा उसमें सम है, मेनी है, ऑफ यू है, सेवरल है, ईटीसी, ऐसे बहुत वर्ड मिलेंगे जो इसका बोध कराएगा, यानी जिससे निश्चित संख्या का बोध होगा हम डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, और जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होगा उसको हम क्या कहेंगे, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है कार्डिनल, और कार्डिनल डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल और कार्डिनल। कार्डिनल मीन्स होता है जैसे निश्चित संख्या का, यानी कि उसमें भी जैसे इसमें ये ऑर्डिनरी मतलब हो गया ऑर्डर का बोध होगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फाइव फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ हो गया, इस तरह से जब ऑर्डर बताएगा तो वो ऑर्डरली होगा। और जैसे नंबर में बताएगा जैसे वन है, फिर आपका टू है, फिर आपका थ्री है, ऐसे यहाँ टेन है, इस तरह से जैसे बताएगा तो वो हमारा क्या होगा, जैसे एग्जैक्ट नंबर बताएगा वो हमारा क्या होगा, कार्डिनल हो जाएगा। और ऑर्डिनल में जैसे यहाँ पर आपका बता दे कि जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, आपका थर्ड है, फिर उसके बाद फोर्थ है। कार्डिनल का मतलब होता है संख्या सूचक, और ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रम सूचक, ये क्रम को ऑर्डर को बताता है, और ये निश्चित संख्या का जैसे वन टू थ्री फोर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को बताता है। नंबर चार है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। इट पॉइंट, इट पॉइंट टू अ पर्सन, पर्सन, पर्सन और अ थिंग। कहने का मतलब इट पॉइंट अ पर्सन और थिंग, कहने का मतलब है जो संकेत वाचक विशेषण होता है ये क्या करता है कि ये जो है पॉइंट करता है, इशारा करता है, संकेत करता है, इंडिकेट करता है किसकी, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ जो क्या करता है, वो संकेत करता है जुड़ करके, या जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करता है, संकेत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस
दिस बुक इज माइन, यह किताब जो है मेरी है। यहां पर देखिए जो दिस आया है बुक के पहले दिस आ गया, तो यहां पर ये इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इस वजह से यहां पर जो यहां पे ये जो दिस है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो है संकेत वाचक विशेषण हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। दीज मैंगोज आर नॉट स्वीट, ये सब आम जो है वो क्या है, मीठे नहीं है। तो यहां पर जो मैंगोज के पहले दीज आया है वो इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो ये सारे आम है वो क्या है, आम जो है मीठे नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, दैट डॉग इज मैड, वह कुत्ता क्या है, पागल है। तो यहां पर देखिए दैट इशारा किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो है वह कुत्ता क्या है, पागल है। तो यहां जो दैट आया है वो हमारा क्या है, संकेत कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो क्या करता है, जो विशेषण सब जो किसी व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा है पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसको संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है। इट टेल्स पोजेशन, इट टेल्स पोजेशन और ओनरशिप और रिलेशन अ पर्सन और अ थिंग, यानी कहने का मतलब है कि जो संबंधवाचक विशेषण है वह किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के क्या करता है, वो अधिकार को बताता है या उसके स्वामित्व को बताता है या उसमें संबंध को बताता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, हर रूम इज क्लीन, उसका कमरा क्या है, साफ है, उसका कमरा साफ है। यहां पर देखिए जो हर आया है वो हमारा क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, कि वो बोल रहा है कि उसका कमरा क्या है, साफ है। तो यहां पर जो हर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हिज मदर इज हेल्दी, उसकी मां क्या है, स्वस्थ है। यहां पर देखिए हिज आया गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम व्यष्टिवाचक विशेषण, इसको हिंदी में हम व्यष्टिवाचक विशेषण कहते हैं, जिसको पृथकवाचक विशेषण भी इसको कह सकते हैं। ये क्या करता है, सेपरेशन करता है, अलगाव करता है। तो आइए देखते हैं इसको, यहां इच है इवरी आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, माने जब कोई संज्ञा को का क्या करता है, फॉलो करता है उसके बारे में, वो क्या करता है, उसको अलगाव करता है। दीज एडजेक्टिव शो सेपरेशन, कहने का मतलब है कि इच इवरी आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, These adjectives show separation. यहां ये क्या करता है, सेपरेशन करता है, अलगाव करता है वो। फॉर एग्जाम्पल से यहां देख लीजिए, each student has a dictionary. Each student has a dictionary, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक जो है क्या है, डिक्शनरी है, शब्दकोश है,
तो इस वजह से यहां पर क्या कर रहा है, इच, यहां पर जो इच आया है ये नाउन के पहले आकर के वो क्या कर रहा है, सेपरेशन बता रहा है कि प्रत्येक के पास जो है एक एक क्या है, डिक्शनरी है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक एक क्या है, डिक्शनरी है। इस वजह से यहां पर जो हमारा इच होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एवरी मैन इज मॉर्टल, एवरी मैन इज मॉर्टल, यानी कि प्रत्येक आदमी क्या है, मरणशील है। तो यहां पर देखिए जो एवरी आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये मैन चूंकि हमारा आपका मैन हमारा जो नाउन है, नाउन के पहले एवरी आ गया है, इस वजह से वहां पर वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण, जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव विच आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव्स माने विशेषण, विच माने जो कि, आर यूज माने प्रयोग किया जाता है, विथ नाउन्स माने संज्ञा के साथ, टू आस्क क्वेश्चंस माने प्रश्न पूछने के लिए, इसका आर कॉल्ड माने कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, उसी को प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हूज पेन इज, हूज पेन इज दिस, हूज पेन किसकी कलम, इज माने है, दिस माने है, यह कलम किसकी है, तो यहां पे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। यहां पर देखिए यह हमारा नाउन है, नाउन के पहले ही जो है इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है और ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है, विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर, कौन सा रंग तुम पसंद करते हो। तो यहां पर देखिए विच आ गया, ये कलर के हमारा नाउन है, उसके पहले विच आ करके क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर देखिए व्हाट नेम डू यू स्पीक, आपने क्या नाम बुलाया, तो यहां पर देखिए जो यहां व्हाट है और यहां पे नेम हमारा नाउन है, नाउन के पहले ये हमारा क्या हो गया, व्हाट आ गया और ये इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएगा। व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, हू है, whom है, whom है, whose है और where है, how है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिससे प्रश्न पूछने का बोध होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आठ नंबर है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, दृढ़ता वाचक विशेषण, कह रहा है इट एक्सप्रेस टू इम्फेसिस ऑन द नाउन, ये क्या करता है, नाउन को क्या करता है, इम्फेसिस करता है, बल देता है, जोर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं, दृढ़ता वाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था, यहां पर वेरी वही हमारा क्या हो जाएगा, जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, बल दे रहा है, नाउन के पहले आकर के कह रहा है कि यह वही बुक है जिसे मैं चाहता था, तो इस वजह से यहां पर जो वेरी है
वो क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है किसके पहले आकर के, नाउन को, और नाउन को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। अगला एग्जाम्पल, दिस इज द सेम प्रॉब्लम, दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, यह वही समस्या है जिसका सामना मैं भी कर रहा हूं। तो यहां पर जो सेम आया है वो प्रॉब्लम के पहले आ करके क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ही सॉ द थीफ विथ हिज ओन आईज, वह जो है उसने अपनी आंखों से चोर को देखा। तो यहां पर देखिए जो ओन आया है जोर, ये आईज आंखों पर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है कि वह जो है अपनी आंखों से क्या किया था, चोर को उसने देखा था। यहां पर इम्फसाइज हो रहा है, ये नाउन हमारा आईज है, आईज के पहले आकर के आईज को, आंख को क्या कर रहा है, इम्फसाइज कर रहा है, इस वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। आज हमने इस सेशन में एडजेक्टिव के बारे में सीखा कि एडजेक्टिव क्या है, और हमने इसमें आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है, एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के क्या करता है, विशेषता बताता है। और हमने आपको और बताया कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, वो लगभग हमने यहाँ पे 8 प्रकार के बारे में उसको डिटेल्स में जाना। तो आज का सेशन बस इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।